वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्टडीज, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की टाइप स्टडीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम फंजाई की बात करें, यहाँ पे फंजाई जो होते हैं इनके मोस्टली करेक्टर प्लांट लाइक होते हैं, मोस्टली प्लांट लाइक करेक्टर होते हैं। लेकिन इनको नॉन प्लांट लाइक क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्टली इनके प्लांट लाइक करेक्टर होते हैं लेकिन क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता है, तो ये प्लांट से रिजेंबल नहीं करते हैं। अगर इसके हम बात करें, ये जो फंजाई है इसकी स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। माइको यहाँ ये ग्रीक वर्ड से आया है, माइकोस, माइकोस का मीनिंग होता है मशरूम एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो वहां से ये वर्ड आया है मशरूम्स की स्टडी, यानी कि माइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स ऑफ फंजाई। फंजाई के कौन कौन से डिस्टिंक्टिव, कौन से करेक्टर ऐसे है जो इसको बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स डिस्कस करेंगे, देन जनरल करेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो इन करेक्टर्स के अंदर दे आर हेटरोट्रॉफिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रो मींस अदर, ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। सेकेंड, दे बिकम आइदर पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स। इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफिक तो होते ही होते हैं, लेकिन ये सैप्रोफाइट्स भी बन सकते हैं, या फिर ये बन सकते हैं पैरासाइट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या फिर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे। तो ये पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। थैलस जो होगा इसका, थैलस बना होता है कलरलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर का, जिसको हाइफे बोलते हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनको हाइफे बोलते हैं। हाइफे जो होते हैं विद ब्रांचेस, अब इन हाइफे की ब्रांचेस होती हैं एंड सब ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस, ब्रांचेस होंगी एंड उन ब्रांचेस की ब्रांचेस को सब ब्रांचेस बोलेंगे। ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसको बोला जाता है माइसीलियम। फंजाई क्या करती है? माइसीलियम फॉर्म करती है। कैसे फॉर्म करती है? विद द हेल्प ऑफ हाइफे। हाइफे क्या होंगे? ब्रांच्ड एंड उनकी सब ब्रांच्ड होगी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म करके माइसीलियम फॉर्म कर देंगे। फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। ये जो है फूड, इसके अंदर ग्लाइकोजन एंड इसके अंदर ऑयल के ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर फूड स्टोर होता है। सेल वॉल जो है इसकी बनी होती है फंगस सेलुलोज की, जैसे कि प्लांट्स की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उस सेलुलोज का एंड यहाँ पे फंगस सेलुलोज की कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए इसको फंगस सेलुलोज बोला जाता है। इस फंगस सेलुलोज को फंगीन, फंगाइन या फिर मेटा सेलुलोज भी बोला जाता है, ठीक है। फंजाई की सेलुलोज को फंगीन, फंगाइन या फिर मेटा सेलुलोज भी बोला जाता है। न्यूक्लियाई आर यूकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है। न्यूक्लियाई कैसे होती है? इसकी यूकैरियोटिक इन नेचर होती है। यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है, वेल एनवेलप्ड न्यूक्लियस होता है, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियाई जो है इसके अंदर यूकैरियोटिक इन नेचर होती है। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव हो सकती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से हो सकती है, तीनों ही मेथड से होगी यहाँ पे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर यूकार्पिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या होती है? यूकार्पिक होती है, जिसका मीनिंग है ओनली ए पार्ट ऑफ माइसीलियम फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव यूनिट। सिर्फ एक पार्ट होगा, ठीक है, ओनली ए पार्ट, सिर्फ एक पार्ट होगा माइसीलियम का। लाइक ये माइसीलियम के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, ब्रांचेस है, हाइफे है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें से कोई एक पार्ट, ठीक है, कोई एक पार्ट क्या करेगा यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म करेगा, इसलिए इसको यूकार्पिक बोला जाता है। यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होंगी इसकी, ठीक है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स के अंदर होल ऑफ द वेजिटेटिव सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस कंडीशन में इसको बोलते हैं होलोकार्पिक। होलो का मीन्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये क्या करेगा? कंप्लीट जो इसका वेजिटेटिव सेल होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर। तो ये होता है यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ फंजाई के अंदर।
हाइफे जो है मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकते हैं। सेप्टेट का मीनिंग है यहाँ पे कि इनके बीच में यहाँ पे ये सेप्टा होंगे, ठीक है, ये सेप्टा यहाँ पे इनको अलग करेंगे। एंड एसेप्टेट का मीनिंग है कोई सेप्टा नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल ये फिलामेंट हो गया, इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है, या फिर ये हाइफे हो गया, तो ये हाइफे के अंदर सेप्टा अगर प्रेजेंट है तो इनको सेप्टेट बोलेंगे, अदरवाइज ये एसेप्टेट होते हैं। तो ये कुछ इसके डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स होते हैं फंजाई के। इसके बाद वन बाय वन हम इसके जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट करेक्टर है हैबिटेट, कहाँ पे फंजाई रहती है। तो जो फंजाई होती है वो मिलती है हर जगह, हर टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर वो मिलती है। एंड ये मे बी टेरिस्टियल हो सकती है, एक्वेटिक हो सकती है। टेरिस्टियल कैसे होंगी, जैसे कि लैंड होगी उसके ऊपर डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर प्रेजेंट हो सकती है, वैसे वाटर के अंदर अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वहां पे ही पाई जा सकती है। तो ये टेरिस्टियल हो सकती है एंड एक्वेटिक हो सकती है। कैन अकर ऑन लिविंग और डेड एनिमल्स, ठीक है, लिविंग एनिमल्स के ऊपर भी हो सकती है, डेड एनिमल्स के ऊपर भी हो सकती है, प्लांट्स बॉडीज के ऊपर भी हो सकती है ये। एंड जो सॉइल ह्यूमस रिच होगी उसके अंदर भी वाटर फूड स्टफ्स होंगे, या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल्स होंगे, रॉक्स, लेदर, पेपर, प्लास्टिक एंड इवन इन एयर। ये सब जितनी भी हैबिटेट है ये ऑक्यूपाई करती है, इनके अंदर जो फंजाई है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मेनली लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर एनिमल प्लांट बॉडीज या फिर ह्यूमस रिच सॉइल हो गई, वाटर हो गया, हाउस होल्ड आर्टिकल्स हो गए, फूड स्टफ्स हो गए, रॉक हो गई, लेदर, पेपर, इवन प्लास्टिक और एयर के अंदर भी देखने को मिलती है। प्रेफर मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस, जो भी फंजाई है वो प्रेफर करती है मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन अगर हो, ठीक है, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा कोल्ड जो कोल्डेस्ट जगह होंगी उनके ऊपर भी एंड इवन हॉट डेजर्ट्स होंगे उनके अंदर भी देखने को मिलती है। तो ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होती है कि कहाँ कहाँ फंजाई पाई जाती है। सेकेंड इज द हैबिट्स, क्या क्या हैबिट्स शो करती है। हैबिट्स की अगर हम बात करें, हैबिट्स भी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैबिट्स होती है, ये सैप्रोफाइट्स हो सकती है, पैरासाइट्स हो सकती है। तो इसके अंदर अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें कि सैप्रोफाइट्स होती है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है ये ईट करती है। तो सैप्रोफाइट्स में ये ओब्लिगेट सैप्रोफाइट हो सकती है या फिर ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हो सकती है। ओब्लिगेट का मीनिंग है, ठीक है, ओब्लिगेट का मीनिंग है ये स्ट्रिक्ट सैप्रोफाइट्स होती है, ये स्ट्रिक्ट होती है। जो ये कहां रहेंगी, ये रहती है डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ये सिर्फ ग्रो करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंड कांट इनफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ये क्या करेंगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट सैप्रोफाइट है। एंड जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स होती हैं, ये क्या कर सकती है, यूजली सैप्रोफाइट्स होती हैं ये, ठीक है, यूजली होती है, बट कैन ऑल्सो बिकम पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स भी बन सकती है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरी बॉडीज के ऊपर रहती हैं, तो ये पैरासाइट्स भी बन सकती है व्हेन स्टेबल होस्ट इज अवेलेबल। जैसे ही कोई स्टेबल होस्ट अवेलेबल होगा, ये क्या बन जाएगी, उस होस्ट को इन्फेक्ट कर देंगी एंड उस होस्ट के ऊपर पैरासाइट बन जाएंगे, यानी कि ये पैरासिटिक बन जाएंगी, जैसे कि बोटराइटिस के अंदर होता है। तो ये ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव होते हैं, यानी फैकल्टेटिव क्या हो गए, ये एक टाइप की जो है सैप्रोफाइट, यानी कि डेड ऑर्गेनिक के मैटर के ऊपर ग्रो कर रहे थे, लेकिन जैसे इनको लिविंग कोई और होस्ट दिखा मिला, उस लिविंग होस्ट के ऊपर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी एंड ये पैरासाइट्स बन जाएंगी। तो ये स्ट्रिक्ट सैप्रोफाइट होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ईट करेंगे एंड या फिर ग्रो करेंगे एंड कांट इन्फेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मुकर हो गया। एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स यूजली सैप्रोफाइट्स ही होते हैं, लेकिन जैसे ही ये मौका प्रस्त होते हैं, जैसे ही इनको मिलेगा वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग होस्ट, उसके ऊपर ये उसको इन्फेक्ट कर देंगे एंड ये पैरासाइट्स बन जाएंगे। इसके बाद ये पैरासाइट्स जो है ग्रो ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स क्या करते हैं, लिविंग बॉडीज की अंदर ग्रो करते हैं। एंड ये पैरासाइट्स जो होते हैं ऑलवेज पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक क्या होते हैं, जो कि डिजीज कोज करेंगे एंड कोज डिजीज टू द होस्ट, जो भी होस्ट होगा उसको ये डिजीज कोज करेंगे, इसलिए इनको पैथोजेनिक बोला जाता है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डैमेज, यानी ये जो होस्ट है, होस्ट क्या होगा जिसके ऊपर ये इन्फेक्ट करेंगे
तो ये जो होस्ट है इसके डिग्री ऑफ डैमेज कितना है, ये कितने परसेंट कितना डैमेज हुआ है, इसके बेसिस पे पैरासाइट जो है ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं या तो ये बैलेंस्ड हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग है कॉज सीवियर डिजीजेस टू द होस्ट, होस्ट को ये सीवियर डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है, एंड वो सीवियर डिजीज किल कर सकते हैं होस्ट टिश्यूज और सेल्स को, इवन ये टॉक्सिन सीक्रेट कर सकते हैं जो कि होस्ट होगा उसको ये हार्म कर सकते हैं, तो ये होस्ट को किल भी कर सकता है। लेकिन जो बैलेंस्ड वाले हैं ड्रॉ पार्शियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द होस्ट, ये क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, विदड्रॉ करेंगे, होस्ट से विदड्रॉ करेंगे ये, या फिर होस्ट से ड्रॉ करेंगे जो भी इनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी इनको फूड की रिक्वायरमेंट है उसको ये क्या करेंगे, फिर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको ये ड्रॉ करेंगे होस्ट बॉडी से, एंड इस कंडीशन में होस्ट जो है वो मरेगा नहीं, वो होस्ट किल नहीं होगा। तो ये होता है डैमेज के बेसिस पे डिस्ट्रक्टिव और बैलेंस्ड। इसके बाद पैरासाइट्स जो है एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं या तो ये एंडो पैरासाइट हो सकते हैं। एक्टो मीन्स बाहर, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये बाहर होंगे एंड ये कैसे होंगे, ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, होस्ट के सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। एक्टो पैरासाइट क्या होंगे, ये होस्ट के सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे। इसके बाद एंडो पैरासाइट्स, व्हेन इट ग्रोज अंडर द सरफेस ऑफ द होस्ट, जब ये होस्ट के सरफेस के अंदर यानी कि होस्ट के अंदर, ठीक है, इनसाइड द होस्ट अगर ग्रो करते हैं तो इनको एंडो पैरासाइट बोला जाता है। इसके अलावा पैरासाइट्स अगेन ऑब्लिगेटिव पैरासाइट्स हो सकते हैं या तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स थे, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स थे, वैसे ही ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो जो पैरासाइट्स है ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे कि सैप्रोफाइट्स थे, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होंगे, विच कैन ग्रो ओनली अपॉन लिविंग होस्ट, जो सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं, यानी कि ये कैसे होंगे, स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होंगे, तो ये सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं होस्ट टिश्यूज एंड आर अनेबल टू थ्राइव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रस्ट होती है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, अगर इनको इनको अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है तो ये उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, तो दे आर एक्चुअली पैरासाइट्स बट कैन लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो इफ द लिविंग होस्ट इज एब्सेंट। ये क्या कर सकते हैं, ये स्विच कर सकते हैं, ये लिविंग से डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी जा सकते हैं, या फिर अगर होस्ट एब्सेंट है तो उस कंडीशन में भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ईट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हो गया फाइटोपथोरा का। फाइटोपथोरा क्या होता है, ये कॉज करता है ब्लाइट, जो पोटैटोज के अंदर ब्लाइट डिजीज होती है वो कॉज करता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हो गए। इसके बाद एक और यहाँ पे पैरासाइट्स के अंदर, एक तो हो गया कि पैरासाइट उस होस्ट को कोई हार्म पहुंचाता, कोई नुकसान पहुंचाता, एक बैलेंस बना के रखता है, और एक होता है कि वो म्यूचुअली बेनिफिटेड रहते हैं दोनों के दोनों, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिम्बायोसिस, व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों क्या होंगे, होस्ट भी पैरासाइट भी म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लाइकेंस एंड माइक्रोराइजा होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन होगी। वैसे ही माइक्रोराइजा क्या होता है, फंगल रूट्स एंड हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती है, जैसे कि पाइनस की रूट्स होगी, उनके साथ ही एसोसिएशन बना के रखते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे सिम्बायोसिस, जिसके अंदर क्या होंगे, ये म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसकी हैबिट्स होती है कि ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स में ये फैकल्टेटिव हो सकते हैं या फिर ऑब्लिगेट हो सकते हैं, या तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं या फिर ये सिम्बायोसिस हो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसका फंगल स्ट्रक्चर। फंगल स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है थैलस के थ्रू, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक थैलस होता है, और ये थैलस नॉन माइसीलियल और माइसीलियल टाइप का हो सकता है, नॉन माइसीलियल भी हो सकता है एंड माइसीलियल भी हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम नॉन माइसीलियल थैलाई की देखें, नॉन माइसीलियल थैलाई जो है नॉन फिलामेंटस फंजाई शो करती है, ठीक है, नॉन फिलामेंटस फंजाई इनके अंदर आती है।
इसके अंदर तीन फॉर्म्स होती हैं बेसिकली। तीन फॉर्म्स में से फर्स्ट फॉर्म है प्लाज्मोडियम, सेकेंड इज द यूनिसेलुलर एंड थर्ड इज द सूडोमाइसीलियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये ए सेलुलर नेब्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अमीबॉइड मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का ये ए सेलुलर नेक्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अमीबॉइड मास होता है। इसका जो एंटायर थैलस है गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेवरल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। इसका थैलस होगा, ठीक है, एंटायर थैलस, पूरा का पूरा थैलस, ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू सेवरल, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर, एंड इसको बोलते हैं होलोकार्पिक। होलो मीन्स कंप्लीट, कंप्लीटली एंटायर थैलस इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेवरल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर, होलोकार्पिक। एंड साथ में इसको बोला जाता है, यहां पे इसको पॉलीसेंट्रिक बोला जाता है। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेवरल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो ये होलोकार्पिक या फिर पॉलीसेंट्रिक हो सकता है, जैसे कि ट्राइकिनिया के अंदर होगा। सेकेंड वन इज द यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होंगे, सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप के थैलस होते हैं ये। ठीक है, सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप के थैलस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिनके अंदर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन द एंटायर थैलस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जो पूरा का पूरा थैलस है, लाइक हमने देखा था पूरा थैलस सेवरल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर डिवाइड हुआ था, ट्रांसफॉर्म हुआ था, यहाँ पे एंटायर थैलस ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, एंड इसको बोलते हैं होलोकार्पिक एंड मोनोसेंट्रिक, क्योंकि ये एक सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है। साथ में और इनटू मैनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर भी हो सकता है, इसको होलोकार्पिक पॉलीसेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है, या तो ये सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या फिर ये मैनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सिंगल के अंदर अगर होता है तो इसको होलोकार्पिक मोनोसेंट्रिक बोलते हैं, एंड अगर ये होता है मैनी मैनी या फिर सेवरल के अंदर तो इसको होलोकार्पिक पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज द सूडोमाइसीलियम। सूडो मीन्स फर्स्ट टाइप का, यहाँ पे माइसीलियम होगा। तो यीस्ट जो होते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, ठीक है, यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, बट ड्यू टू बडिंग, यीस्ट के अंदर बडिंग होती है, बर्ड्स ग्रो करती है यहाँ पे, तो बडिंग की वजह से अज्यूम अ चेन ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स अपीयरिंग एज अ फॉल्स माइसीलियम। इन चेन्स की वजह से ये ऐसी नजर आती है कि ये एक माइसीलियम है, जिसके अंदर बहुत सारी यहाँ पे यूनिट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्स है जिन्होंने माइसीलियम बनाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं सूडोमाइसीलियम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉन माइसीलियल थैलाई के अंदर फॉर्म्स होती है। अब सेकंड वन इज द माइसीलियल थैलाई। माइसीलियल थैलाई के अंदर क्या होगा, लाइक हमने देखा था कि जो हाइफे होते हैं, हाइफे क्या करते हैं, वो एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, उस नेटवर्क को ही माइसीलियम बोला जाता है। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट होती है फंजाई की हाइफा। ठीक है, हाइफा, हाइफा सिंगुलर होता है, हाइफे प्लूरल होगा। तो ये हाइफा क्या करेंगे, बहुत सारे हाइफे मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे, एंड जैसे कि हमने देखा था कि ब्रांचेस, सब ब्रांचेस करेंगे फॉर्म, एंड नेटवर्क फॉर्म करेंगे, देन ये माइसीलियम फॉर्म कर देंगे। ठीक है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको माइसीलियम बोलेंगे, एंड ये माइसीलियम जो है ये फिर लूजली और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाता है, खुद को ऑर्गेनाइज्ड कर लेता है टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जिसको प्लेक्टिन काइमा बोलते हैं। ठीक है, प्लेक्टिन काइमा के अंदर ये खुद को ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो ये हो गया यहाँ पे माइसीलियम थैलाई के अंदर। इसके बाद इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ठीक है, सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर कैसे होंगे, लाइक ये हमने देख लिया कि ये टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर प्लेक्टिन काइमा के अंदर खुद को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोजेन काइमा हो सकते हैं, या फिर ये सूडो पेरेन काइमा हो सकते हैं। प्रोजेन काइमा का मीनिंग है ये जो हाइफे हैं आर लूजली इंटरवोवन। ठीक है, ये लूजली इंटरवोवन होते हैं एंड लाई मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरे से मोर और लेस ये पैरेलली लाई करते हैं, एंड ये लूजली इंटरवोवन होते हैं। तो ये होते हैं प्रोजेन काइमा। सेकेंड वन इज द सूडो पेरेन काइमा। लाइक पेरेन काइमा क्या होता है, प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर के, तो वैसे ही ये सूडो पेरेनकाइमेटस कंडीशन शो करता है। इसके अंदर हाइफे आर वेरी लूजली पैक्ड और लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली एंड अपीयर एज एन आइसोडाइमेट्रिक सेल्स।
ये क्या करते हैं, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स की तरह नजर आएंगे हमें, ऐसे आइसोडाइमेट्रिक सेल्स की तरह ये नजर आएगी। अपनी जो इनकी इनकी जो आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली ये लूज कर देंगे, इनको सूडो पैनकाइमा बोला जाता है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी हमें। तो ये दो हो गए यहाँ पे। इसके बाद हाइफे जो है एसेप्टेट एंड सेप्टेट हो सकते हैं। एसेप्टेट का मीनिंग है कंटिन्यूअस विदाउट एनी क्रॉस वॉल ऑफ सेप्टा। क्या कंटिन्यूअस होगा, यानी कि जो हाइफे के अंदर, हाइफा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, अगर वो प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूअस प्रेजेंट है विदाउट एनी क्रॉस वॉल ऑफ सेप्टा और सेप्टम, तो उसको हम बोलते हैं एसेप्टेट। ठीक है, ऐसी कंडीशन होगी। सेप्टेट के अंदर क्या होगा, इंटरप्टेड बाय क्रॉस वॉल्स, क्रॉस वॉल्स से इंटरप्टेड होंगे या फिर सेप्टम से इंटरप्टेड हो गए, सेप्टा से इंटरप्टेड हो गए, तो ये सेप्टेट हाइफे होंगे। इसके बाद ये जो हाइपल वॉल है इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज। ये पहले भी देखा है हमने कि इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है यहाँ पे फंगल सेलुलोज की। तो इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक सेल वॉल होती है, पहले बाहर की तरफ सेल वॉल होगी, इसके अंदर में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर में यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे फंगल सेलुलोज होगी एंड द सेल वॉल इनक्लोजेस द प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल क्या करती है, प्रोटोप्लास्ट को इनक्लोज करती है। एंड प्रोटोप्लास्ट जो है इज कवर्ड बाय अ थिन सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी प्रोटोप्लास्ट यहां अंदर की साइड है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है, ये थिन सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द साइटोप्लाज्म अपीयर्स ग्रेनुलर एंड कंटेन, साइटोप्लाज्म यहाँ पे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स की तरह अपीयर होता है जो कंटेन करता है मैनी माइन्यूट न्यूक्लियाई स्कैटर्ड इन द पेरिफेरल लेयर। ठीक है, पेरिफेरी की तरफ ये स्कैटर्ड होती है। एंड साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी स्मॉल विक्यूल्स, बहुत सारे स्मॉल विक्यूल्स यहाँ होते हैं या फिर गैस विक्यूल्स यहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गॉल्जी बॉडीज होती है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑयल ड्रॉप्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहाँ पे, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑयल ड्रॉप्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होंगे। अब जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर से देखते हैं तब हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज द फ्लेजेला। तो ये सेल स्ट्रक्चर और टिश्यू स्ट्रक्चर हो गया। फ्लेजेला जो है दे आर फाउंड इन सोमेटिक बॉडी ऑफ सर्टेन लोअर ग्रुप्स ऑफ फंजाई। जो ग्रुप्स, जो लोअर ग्रुप्स होते हैं फंजाई के अंदर, उनके अंदर ही फ्लेजेला देखने को मिलता है, एक्सेप्ट जाइगोमाइसिट्स। जाइगोमाइसिट्स के अंदर नहीं होता है, दे मे बी यूनि और बाई फ्लेजिलेटेड। ये यूनि एंड बाई फ्लेजिलेटेड हो सकते हैं एंड इनके अंदर 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 9+2 यहाँ पे फिब्रिलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। फ्लेजिला में भी विपलेस, ये विपलेस टाइप के हो सकते हैं, विद और विदाउट एंड पीस हो सकते हैं, और टिंसल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फ्लेजिला हो सकते हैं। तो यहाँ पे माइसीलियल थैलाई क्या होगा, हाइफा नेटवर्क फॉर्म करेगा जिसको माइसीलियम बोलेंगे। अभी माइसीलियम अरेंज्ड हो जाएगा लूजली और कॉम्पैक्ट नेटवर्क्स के अंदर, खुद को ऑर्गेनाइज करके प्लेक्टोकाइमा बना लेगा। प्लेक्टोकाइमा के बाद यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर के अंदर प्रोजेनकाइमा हो सकता है या फिर सूडोन पैरेनकाइमा हो सकता है, यानी ये हाइफे का अरेंजमेंट है। अगर ये हाइफे लूजली इंटरवोवन है तो ये प्रोजेनकाइमा हो गए। अगर ये हाइफे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एंड पैरेनकाइमेटस सेल की तरह नजर आते हैं, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स की तरह नजर आते हैं, तो इनको बोल देते हैं सूडो पैरेनकाइमा। हाइफे जो है एसेप्टेट एंड सेप्टेट हो सकते हैं। हाइफे वॉल जो है ये फंगल सेलुलोज की बनी होती है जो कि प्रोटोप्लास्ट को इनक्लोज करती है। इस प्रोटोप्लास्ट को कवर किया जाता है इसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो कि सेमी परमेबल होती है। एंड साइटोप्लाज्म जो है ग्रेनुलर होता है जो कि माइन्यूट न्यूक्लियाई कंटेन करता है एंड ये न्यूक्लियाई पेरिफेरल लेयर के अंदर स्कैटर्ड होती है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं, मैनी स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होती है। तो ये होता है यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर लिविंग मैटर के ऊपर फीड करती है या फिर ग्रो करती है एंड ये हेटरोट्रॉफिक होती है ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की लैकिंग होती है इसलिए अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक होती है।
बट इज सप्लाइड बाय ग्लूकोज और माल्टोज. ठीक है, अगर इनको ग्लूकोज और माल्टोज एज कार्बन सोर्स दिया जाए, दे कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, ये क्या कर सकती है, अपने कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है जो कि इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन एंड वेरियस मिनरल एलिमेंट्स. इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज जो है नाइट्रोजन के, वो भी यूज करते यूटिलाइज करती हैं, एंड वेरियस मिनरल एलिमेंट्स भी. लाइक यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसके अलावा यहाँ पे बोरोन, आयरन, जिंक, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम, कॉपर एंड कैल्शियम, ये रिक्वायर्ड होते हैं. कैल्शियम जो है कुछ फंजाई ही यूज करती है, सारी सबको रिक्वायर्ड नहीं होता है, सम जो फंजाई होती है इसको, उनको ही रिक्वायर्ड होता है. तो ये कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी. एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं यहाँ पे बेस्ट सोर्स होते हैं एनर्जी के एंड कार्बन के. इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनिटोल, माल्टोज, ये भी यूज किए जाते हैं. ज़ाइलोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये भी यूटिलाइज किए जाते हैं. एंड बिसाइड्स दिस फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिग्निन एंड अल्कोहल्स आर आल्सो यूटिलाइज्ड बाय फंजाई फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी. एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि यहाँ पे वो नाइट्रोजन, इनको नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं. तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि अमोनियम कंपाउंड हो गए एंड नाइट्रेट्स हो गए, ये यूज किए जाते हैं. एंड जो एक्सेस ऑफ फूड है, जितना भी एक्सेस ऑफ ज्यादा फूड होगा, स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स, एंड हम बोल सकते हैं ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है. फूड इज एब्जॉर्ब बाय द जनरल सरफेस ऑफ द माइसीलियम. माइसीलियम का जो जनरल सरफेस है उसके थ्रू ही फूड सोल्यूशन के फॉर्म में बाहरी ब्रेक किया जाता है एंड देन उसको एब्जॉर्ब किया जाता है. एंड इसके अलावा सम स्पेसिफिक हाइफल स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, जैसे कि राइजोइड्स हो गया, होस्टेरिया हो गया, आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सम फंजाई. ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन के अंदर होता है, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ग्लूकोज एंड माल्टोज एज कार्बन सोर्स की तरह यूज करते हैं. इसके अलावा यूटिलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज जो होते हैं नाइट्रोजन के, एंड कुछ मिनरल एलिमेंट्स, ये मिनरल एलिमेंट्स हो गए. एंड इसके अलावा ये क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनिटोल, माल्टोज, ज़ाइलोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज यूज करते हैं. फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिग्निन, अल्कोहल्स भी यूज करते हैं ये. एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं वो, एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज के अंदर अमोनियम कंपाउंड एंड नाइट्रेट्स होते हैं. जो भी ज्यादा फूड होगा वो ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा, एंड फूड जो है ये एब्जॉर्ब किया जाएगा जनरल सरफेस ऑफ माइसीलियम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाएगा. तो यहां तक हमने इसके हैबिट्स क्या थी, हैबिटेट क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर हमने देख लिया कि फ्लैजेला कैसा था, न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइसीलियम कैसा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको इसके अंदर टिश्यू स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है. इसके बाद इसका सेकंड पार्ट रहता है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन कैसे होती है. जैसे हमने देखा था कि इसके अंदर एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल तीनों टाइप की ही रिप्रोडक्शन होती है. तो रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.